नमस्कार दोस्तों, मैं संकेत मिश्रा और आप देख रहे हैं आपका अपना दोस्त इन्फोटेक। दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन में क्लिक करें। बेल के आइकन में क्लिक करने से होगा क्या कि मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी वीडियो बनाते रहता हूँ, तो मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। तो दोस्तों, आज का ये नया टॉपिक कि हम अपने YouTube चैनल पर इंड स्क्रीन कैसे लगाएंगे। काफी लोगों ने मुझे SMS किया और बोला कि इसके विषय में एक वीडियो, कंप्लीट वीडियो बनाइए। तो चलिए आज हम कुछ नया सीख लेते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको करना क्या है, चलिए मैं अपने चैनल में लॉगिन हो जाता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ। तो मैं अपने आ जाओ, मेरा गला ठीक नहीं है फ्रेंड्स, इसलिए आवाज थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती है। तो मैं अपना जो चैनल है उसे मैं ओपन कर ले रहा हूँ। चलिए मैं इसे साइन इन कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये मेरा चैनल खुल चुका है। मैं अपने चैनल पे लॉगिन कर लिया हूँ। अब यहाँ से मैं माय चैनल में जाऊंगा। फ्रेंड्स, ये मेरा चैनल खुल गया है। तो अब हम एंड स्क्रीन कैसे लगाएंगे ये देखते हैं। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर YouTube स्टूडियो बेटा जो है इसमें क्लिक कर देना है। देन आपको कुछ पेज खुलेंगे। थोड़ा सा स्लो है नेट, लेकिन वीडियो को कंप्लीटली लास्ट तक जरूर देखिएगा फ्रेंड, तभी आप समझ पाइएगा। और वीडियो को स्किप कीजिएगा तो आपको पता नहीं चलेगा। तो चलिए यहाँ पर आपको करना क्या है, क्रिएटर स्टूडियो क्लासिक में क्लिक करना है और यहाँ पर स्किप के बटन में क्लिक कर देना है फ्रेंड। अब जैसे मैं बता दूँ मुझे कौन से वीडियो में इंड स्क्रीन लगाना है, यहाँ पर हाउ टू डीएल स्लॉट बुकिंग, मुझे इस वीडियो में इंड स्क्रीन लगाना है, कार्ड्स लगाने हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये करना है और आई बटन भी मैं इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर ये मेरा वीडियो है, मैं इसे किसी और जगह प्ले करके दिखाता हूँ। फ्रेंड्स ये देखिए मेरा वीडियो, नमस्कार दोस्तों, मैं संकेत मिश्रा और यहाँ पर किसी प्रकार का कार्ड और ये नहीं लगा हुआ है फ्रेंड्स। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर इंड स्क्रीन के ऑप्शंस में आना है। यहाँ पर लास्ट में जैसे एडिट में जाएंगे और यहाँ पर इंड स्क्रीन में जाएंगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर ऐड एलिमेंट में क्लिक करना है फ्रेंड। चलिए इसे मैं नेक्स्ट नेक्स्ट कर देता हूँ। ये 4 टाइम मांगेगा। तो यहाँ पर ऐड एलिमेंट में क्लिक करना है और यहाँ पर वीडियो और प्लेलिस्ट में आपको क्रिएट करना है फ्रेंड। अब यहाँ पर आना है चूज अ वीडियो प्लेलिस्ट, ठीक है। आप इसमें क्लिक करके आप कौन सा वीडियो को डालना चाहेंगे इसमें। चलिए मैं इसको डाल देता हूँ क्योंकि यह ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड है, तो मैं ड्राइविंग लाइसेंस से ही रिलेटेड इसमें वीडियो को डाल दूंगा। ये भी चल जाएगा, ये भी चल जाएगा, ठीक है। तो मैं देख लेता हूँ, मैं यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस कैसे ऑनलाइन करें। चलिए मैं एक स्क्रीन लगाया, यहाँ पर ऐड किया हूँ। आप मिनिमम 4 डाल सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए एक वीडियो मेरा यहाँ पर आ गया है, फिर मैं और एक डालूंगा। चलिए यहाँ पर क्रिएट करता हूँ और फिर चूज वीडियो से आता हूँ और फिर यहाँ पर चलिए इसको ही डाल देता हूँ। ये मेरा दो
हो गया, आप इसको ऐसे स्क्रॉल करके नीचे ले आइएगा फ्रेंड। देखिए दो वीडियो हो गया, तीसरा में मैं और एक वीडियो डाल दे रहा हूँ। ये वीडियो डालता हूँ और क्रिएट कर देता हूँ। तो यहाँ पर और हो गया, आप इसे भी ड्रैग कर सकते हैं बगल में ले आइए। आप चाहे तो चौथा में भी एक वीडियो और लगा सकते हैं। तो मैं तीन ही लगा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर कार्ड्स जो है, इसी को कार्ड्स को ही आई बटन बोला जाता है। चलिए इसको मैं सेव पहले कर लेता हूँ। इसे सेव कर दिया फ्रेंड्स, और यहाँ पर आऊंगा मैं कार्ड्स में। कार्ड यानी कि आई बटन फ्रेंड्स। आई बटन में डालने के लिए आप कौन कौन सा वीडियो डालना चाहेंगे? यहाँ पर कार्ड में क्लिक करेंगे, मैं इसे पॉज कर लेता हूँ। यहाँ पर आई बटन में आप क्या क्या डालना चाहेंगे? चलिए यहाँ पर मैं ये डाल देता हूँ एक, कम से कम तीन चार जरूर डालें। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर यही है आपका आई बटन। यहाँ पर आई बटन में जैसे क्लिक करेंगे, देखिए एक वीडियो आ गया मेरा। मैं और डाल देता हूँ, कम से कम वहां तीन डाला हूँ तो यहाँ भी तीन वीडियो मैं डाल देता हूँ। ये मेरा दो हो गया, देख सकते हैं यहाँ आई बटन में दो वीडियो आ चुकी है मेरी। मैं वहां तीन डाला हूँ, इस कारण से मैं यहाँ भी तीन ही डालूंगा। और यहाँ पर क्रिएट आई बटन में ज्यादा ना डालें फ्रेंड्स, तो अच्छा रहेगा, ठीक है। ये हो गया मेरा आई बटन क्लिक हो गया। और एक चीज मैं बता दूं आप लोगों को, जैसे इन्फो एंड सेटिंग में जाएंगे, अगर आपका वीडियो कोई डाउनलोड करके अपने चैनल में अगर डालता है तो कॉपीराइट क्लेम कैसे आएगी? तो उसके लिए फ्रेंड्स आपको करना क्या होगा, यहाँ पर एडवांस सेटिंग में जाना है और यहाँ पर रिकॉर्डिंग डेट टुडे कर देना है और इसको सेव कर देना है। अब कोई भी अगर आपका वीडियो को उठा के अगर करता है तो YouTube उसमें कॉपीराइट क्लेम लगा देगी। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को में नए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया उनका बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। और आप लोग अपने फ्रेंड्स को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।